लुधियाना के नजदीक एक गांव में पेट्रोल पंप के नजदीक खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। इससे दो लोग घायल हो गए और एक मोटरसाइकिल बुरी तरह जल गया। सूत्रों के मुताबिक यह ट्रक पेपर मिल अहमदगढ़ से कास्टिक सोडा लेकर पानीपत के लिए रवाना हुआ था। जब यह हादसा हुआ तो कास्टिक सोडे से भरे इस ट्रक की उसका मालिक रिपेयर करवा रहा था, तो अचानक उसकी बैटरी में स्पार्किंग के कारण धमाके से आग लग गई। ट्रक में सोडा पड़ा होने के कारण कई धमाके हुए। इस आग में ट्रक की रिपेयर करते मिस्त्री बलदेव सिंह हैप्पी और ट्रक का मालिक अमनदीप सिंह झुलस गए, जिन्हें लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया।